अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूँ ज़हीर अहमद नाज़रीन। वहीद महाद साहब की 40वीं सालगिरह। वहीद महाद साहब के फ़ैन हर किस्म के हैं। मैंने जिस तरह अभी दो तीन दिन पहले जब अपने भाइयों के साथ एक वीलॉग किया था तो उसमें मैंने बताया था कि कोई किसी ने कोई चीज़ें रखी हुई हैं, कोई उनको इसाले सवाब के लिए रोज़े उनके नाम के रखता है, कोई उनके नाम की कुर्बानियाँ करता है, कोई किस तरीके से, कोई बाहर है, कोई यहाँ है, और हर क्लास है, हर क्लास है। आज हमारे साथ वहीद महाद साहब के वो यूनिक फ़ैन, वो यूनिक मदा जिन्होंने इस इवेंट को भी ऑर्गेनाइज़ किया और पिछले 39-40 साल से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इतना डेडिकेटेड और इतना जेन्युइन वहीद महाद साहब के फ़ैन, वैसे तो सारों का अपनी जगह पे एक मकाम है, सब उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनकी जो डेडिकेशन है, इनकी जो पुरखलूस मोहब्बत है, वो उस तरह की मोहब्बत मैंने शायद कहीं पे देखी हो। अंसर बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी कुछ खुशकिस्मती है, आल पाकिस्तान वहीदी क्लब सियालकोट के रूहे रवां हैं। अंसर भाई बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। अंसर भाई हमें बताएं ना, हमने तो बड़ा कुछ सुना है। मुझे पता है आप अभी भी, जब ये तकरीब हो रही थी तो उन्होंने ज़री पन्ना साहिबा ने जब, और दूसरे लोगों ने जो वहाँ पर मेज़बान थे, उन्होंने जब बात की कि इन्होंने इतना काम किया है या ये किया, तो आप उठ के आए हैं बकायदा। लेकिन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ, इसमें कोई दिखावा नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के जो वहीद महाद के बाकी फ़ैन हैं सबको पता भी है, जो आम बंदा है उसको भी पता चले, आप वहीद महाद साहब, आपकी मुलाकात भी है एक? बिल्कुल, एक मुलाकात है। ये इनकी वहीद महाद की वादा की शूटिंग थी, उसके बाद उनके घर पर मेरी पहली मुलाकात हुई थी और ज़िंदगी की पहली और आखिरी मुलाकात। और एक मुलाकात के बाद आप पिछले 39-40 साल से उनकी बरसी का एहतमाम भी करते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, इसकी वजह क्या है? मैं असल में 5वीं में पढ़ता था, मैं वहीद महाद का फाइन बना था, और उसके मरने के बाद हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने जो उनसे धोखा किया, हम चाहते हैं उस धोखे का पुरस्कार जो है ना, जिन्होंने असल में उनको ज़िंदा रखा। मुलाकात के हवाले से अंसर भाई आप बता रहे थे। हाँ, एक मुलाकात मेरी हुई थी, वो पहली और आखिरी मुलाकात थी। वो लोगों के, आम लोगों में दिन ये था कि वहीद महाद किसी से मिलता नहीं था। वाकई ये बात थी, ठीक थी, को नहीं मिलता था, लेकिन जिससे मिलता था ना, फिर उसको छोड़ता नहीं था वो। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। फिर उससे मुलाकातें करता था, क्योंकि लोग ऊट पटंग जो बातें होती हैं ना, वो उनसे करते थे, वो उनसे एनर्जी करते थे। अच्छा, ये बताएं कि आपने फिल्में भी लगाई, नसरीन सिनेमा पर भी लगाई, मेट्रोपोल सिनेमा भी लगाई, उसके पीछे वहीद महाद साहब की एक फिल्म, कोई किसी किस्म का, ये मुझे पता है नाजरीन के, किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव? इवन इनके दोस्त ने एक दफ़ा कहा, गए कराची से वापस आ गए थे, मैं चले नाम नहीं लेता उनका, लेकिन नाम नहीं, नहीं मैं नाम नहीं लेता, मैं जस्ट फॉर इस दुनिया में, मैं इसलिए कि इनकी मोहब्बत का पता चले कि क्या था, मतलब उन फिल्मों को लगाने के पीछे टोटल वहीद महाद साहब की याद ताज़ा करने के लिए, उनके फ़ैन के लिए तोहफा था, फिर सिर्फ उसकी याद ताज़ा करने के लिए और उनके फ़ैन के लिए, और जो हमारी नई नस्ल है उसको बताने के लिए, ये आपका दाकार है इंडिया और पूरी दुनिया में, ऐसा दाकार पैदा नहीं हो सकता। अच्छा, मेन मकसद ये था, ये था। देखिए, ये दो मेरे भाई खड़े हैं साथ, ये फयाज राजा साहब भी खड़े हैं, हम यहाँ से बात की, हमने जिस, या तो गुल सामने आके मुझसे बात करें ना, तो बात तो फिर होती है। हमें अंसर बेग भाई, हमें ये पता है कि कितने, मुझे, मैं नहीं बताना चाहता नाज़रीन, ये अलहमरा की बिल्डिंग है पीछे, यहाँ पे ज़ाहिर है ये छोटी जगह नहीं है, बड़ी जगह है, और जितने भी यहाँ पे खड़े हैं सारे इस मेरे से इत्तफाक करेंगे, ये बड़ी जगह है और ज़ाहिर है इसके चार्जेस भी होंगे, ये मुझे पता है, ये अमजद परवेज़ साहब भी इस चीज़ की गवाही देंगे, ये अकेले इन्होंने किया, अंदर सियालकोट से किस किस को ले गए हैं। मैं सिर्फ इनकी मोहब्बत को इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं, और कोई मकसद नहीं है कि, क्योंकि ये खुद उठ के आए हैं, इन्होंने खुद कहा है कि मेरा दिखावा ना करें। इन्होंने बाकायदा तौर पे, नाज़रीन हमने एक वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा, बच्चे बैठे हुए थे, अमूमी तौर पर बरसियों के ऊपर भी ज़्यादातर म्यूज़िकल प्रोग्राम चलते हैं, बच्चे बैठे थे जब हम अंदर गए और वो बाकायदा तौर पर कुरान पढ़ रहे थे, तो ये एक बड़ी, इतनी मोहब्बत जो है अंसर बेग भाई, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा। और मैंने मैं अमजद परवेज साहब आज नहीं, शुरू से जो है ना, शुरू से, और नाट इवन ए रुपी जो है ना, कभी जो है ना वो उसके लिए कभी किसी से कंट्रीब्यूशन नहीं लिया। सर मैं वही बात करने लगा, आंसर पे एक साहब रुहे रवां इसके, ठीक थी, यस, और ये जो कुछ भी है ना, इसके रुहे रवां है, और वहीद मराद तब तक जिंदा है जब तक अंसर बेग जिंदा है। ये बेलौस आदमी उस दिन मरना है जिस दिन भाई अंसर बेग साहब जो है ना ये लाखों पे आ रहे होंगे। ये बेलाग हमारा जो है ना, ये अब विदाउट एनी किसी पब्लिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं, आई थिंक इट्स द फर्स्ट और द सेकंड इंटरव्यू जो है ना जो आपने इन्हें पकड़ा हुआ है। अंसर बेग साहब कभी स्टेज पे भी नहीं आए, नहीं कोई सेल्फ, ये हमेशा इन्होंने बिहाइंड द स्क्रीन रह के जो है ना वो काम की गया है, डिवोशन है उसके लिए जो है ना, ये नहीं चाहते एडवर्टाइजमेंट जो है ना, ये एग्री करूंगा मैंने थ्रू आउट, हमारी भी मुद्दा तो साथ जो है ना वो चल रहे हैं,
बचपन के हम दोस्त हैं। इवन ये है कि आई एम वेरी प्राउडली टू से कभी हमें भी जो है ना ये है कि इसमें कंट्रीब्यूट नहीं है करना पड़ा। शफका साहब हैं वो भी इस तरीके से शामिल हैं, नकी इमाम साहब, सिर्फ ये है कि वो डिवोशंस की वजह से जो है ना वो चल रहा है। ये जितने भी हमारे अहदेदारान हैं कोई किसी किस्म का जो है ना, एक दफ़ा इन्होंने प्रपोजल दी थी चंदा रखा जाए, लेकिन बेग साहब ने इस चीज़ को जो है ना वो रिफ्यूज़ कर दिया था। नेवर एवर नॉट फंडेड बाई एनी काइंड ऑफ जो है। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ अंसर बेग भाई, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे और सेहत दे। और मैं थ्रू आउट मैंने जिस तरह बताया कि ये जितना उनकी बरसी का एहतमाम था उसके दौरान में ना सिर्फ इन्होंने खुद ऑर्गेनाइज़ किया बल्कि खुद भाग दौड़ की है। अमूमी तौर पे देखा गया कि किसी को ड्यूटीज़ लगा देते हैं आगे जाके वो खुद काम कर रहे थे बैठ गए, ये खुद इन्होंने मेरे सामने ना खुद पंजाबी कहते हैं परांता चुकियाँ ने अंदरों ख़त्म के वो बाद में तो खुद भाग दौड़ कर रहे थे। और ज़बरदस्त एनर्जेटिक आदमी है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। इस्लामाबाद में मेरी इनसे 2-3 मुलाकातें और हमें मिलने के लिए आते हैं, शफकत करते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, उम्मीद है कि अंसर बेग साहब की मोहब्बत और फिर अमजद परवेज साहब हम सैल्यूट करते हैं जी। और आपका नाम सर? मंसूर। मंसूर भाई की भी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट, मैं हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 72 चौधरी फैसल महमूद खान ये कौन है? आज ये ZH एंटरटेनमेंट पर क्यों डिस्कस हो रहे हैं? क्योंकि ये घर है वहीद मुराद साहब का और ये घर है उस शख्सियत का जिसकी आज बरसी है, वहीद मुराद साहब। ये आप देख सकते हैं इनके घर का बाहर का व्यू है और यहाँ से ये एक दो गलियाँ इसको लगती हैं, एक गली या एक सड़क ये लगती है और दूसरी सड़क अगर इधर से मैं पैन करते हुए कैमरे को इस साइड पे लेके आऊँ ये लगती है। हम आपको बताते हैं ये जो वॉल है ये है कब्रिस्तान जहाँ पर वहीद मुराद साहब दफन है, ये वो कब्रिस्तान है। और यहाँ से लेके हम आपको साथ साथ बताएंगे कि वहीद मुराद साहब की जो कब्र है वो उनके घर से कितनी दूर थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ से आज से ठीक 40 साल पहले उनका जब जनाजा उठा होगा। और ये देखें अब यहाँ आपको कब्र नज़र आ रही हैं कब्रें, तो ये यहाँ से अगर मैं एंट्री वाली साइड पे भी जाऊँ अभी भी ये जो तो जब जिस वक्त जनाजा उठा होगा, आपको पता है कि इतने बड़े हीरो का जनाजा जब यहाँ से उठा होगा उनके साथी दोस्त अदाकार जो दूसरे रिश्तेदार करीबी खूनी रिश्ते जो थे उनको जब यहाँ से उठाया गया होगा तो उस वक्त क्या मंजर होगा कि आप ख़ुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये जो घर अभी आपको दिखाया है वो उनका यहाँ पर घर उस वक्त बना जब वो कराची से स्टार बन के निकले और यहाँ आके सुपरस्टार बने। कराची से जब वो कराची की फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के यहाँ पे आए तो यहाँ आके वो सुपरस्टार बने, यहाँ आके वो हीरो चॉकलेटी हीरो कहलाए, यहाँ आके इस शहर के अंदर उन्होंने अपना एक उरूज देखा। और कहने वाले ये कहते हैं, बताने वाले ये बताते हैं कि वहीद मुराद साहब के फ़ैन उस वक्त भी उनके घर के बाहर आया करते थे और उनकी एक झलक देखने के लिए आते थे। और वहीदी क्लब के भी मेंबर जो उनके फ़ैन क्लब हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सुनते हुए आए हैं, आप सुनते हुए आए हैं कि किस तरीके से उनकी मुलाकातें होती थी। जो ख़ुद आज उनके फ़ैन, ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे अगर असलम कश्मीरी का नाम लूँ, मैं अगर यहाँ पे अंसर बेग साहब का नाम लूँ, जिन लोगों की मुलाकातें रही वहीद मुराद से उनसे, वो यहाँ पर आते थे और उनको आके मिलते थे। ये नाज़रीन अब हम मुड़े हैं, ये फासला था, जितनी देर हमने बात की है इतना फासला है, उतने मिनट का फासला है। और ये बैनर आप देख सकते हैं, आल पाकिस्तान वहीदी क्लब, सैयद शाहिद रज़ा, सैयद ताहिर हुसैन, ये आप देख रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज वहाँ पे उनके 40वीं बरसी के हवाले से प्रोग्राम भी है, ये है। और यहाँ से थोड़ा सा अगर आगे जाएँ जिस तरफ से हम हो के आए हैं अभी थोड़ी देर पहले, जहाँ बैनर लगा उससे थोड़ा सा पहले उनकी दीवार के साथ बिल्कुल कब्र है जो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, आप में से सब ने पहले से भी देखी हुई है जितने भी लोग हैं। तो ये फासला जो था ये इतना सा फासला था जितनी देर हमने बात की है। और यहाँ पे 23 नवंबर 1983 को दफनाया गया, सुपुर्द खाक किया गया वहीद मुराद साहब को। और वहीद मुराद साहब के जो चाहने वाले थे, जो दोस्त अहबाब थे और जो उनको दफना गए थे उस वक्त के हवाले से भी बताया जाता है कि कितने गम से निढाल थे
और वहीद मियां साहब के दोस्त मुश्ताक रेशी साहब जिनके हवाले से, और जो मोहम्मद अली साहब ख़ास तौर पर जिन्होंने उनसे पूछा भी था कि तुमने कब्रिस्तान के पास घर क्यों बनाया है, तो वहीद मियां साहब जवाब देते थे ताकि आप लोगों को ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ेगी और आप बिल्कुल फौरी तौर पर जल्दी जल्दी मुझको सुपुर्द खाक कर सकेंगे, ये बताया जाता है। ये बात कही थी उन्होंने मोहम्मद अली साहब के बात के जवाब में। आगे से मोहम्मद अली साहब नाराज़ भी हुए थे, लेकिन ये है वो दीवार जिसके पास हम गुज़र गए थे और ये है वहीद मियां साहब की आखिरी आराम का, जो कि 23 नवंबर 1983 और आज 40 साल गुजरने के बाद चौधरी फैसल महमूद खान उनका घर किसी ज़माने में यहाँ पे वहीद मियां साहब का यकीनन उनका कतबा लगा हुआ होगा उस घर के पास, लेकिन वो यहाँ इतने से फासले पे घर था उनका, अपनी कब्र से इतने से फासले पे घर था। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला वहीद मियां साहब को जन्नत में जगह दे, आला मकाम दे। और अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इससे ज़्यादा मैं अब क्या कहूँ, क्योंकि ये वो ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान के अल्फाज या ज़ुबान जो है वो साथ छोड़ जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।